मुंबई क्राइम पेज ने आज से लगभग 6 महीने से एक कवरेज कर रहे हैं हम लोग। हमारी कवरेज करने का जो मेन मकसद जो है माउंट मेरी करके और एक यहाँ एक फाइनेंस जिनका था नाम केजीएन फाइनेंस करके, केजीएन फाइनेंस वाले ने यहाँ के जो लोकल जनता को अपने पैसे को डबल कैसे किया जाता है ऐसा स्कीम दिखाकर लाखों जनता से उन्होंने करोड़ों रुपया लेकर इस समय वो अभी जेल की हवा खा रहा है। कंप्लेंडर एक ही है, बाकी सारे कंप्लेंडर मेरे कैमरे के सामने हैं। मैं तमाम अधिकारी को ये न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि कितने तमाम लोगों का अभी भी पैसा अरुण शेख के पास है। आपका नाम क्या है? मेरा यासमीन पिंजर है। हाँ बताइए, आपके साथ क्या हुआ? मेरे को ऐसे बाजू वाले किसी ने बोला कि ऐसा पैसा डालने से डबल होगा अरुण शेख के पास, तो मैं जाके 6 लाख मेरा अमाउंट डाली हूँ अरुण शेख के पास, मिल जाएगा 1 साल के अंदर करके 10-12 महीने में। तो जाके दी पैसे, वो हफ्ता आने से पहले ही वो 3 महीने का टाइम हम लोग से लिया था। 3 महीने के बाद फिर हम लोग गए तो फिर 5 दिन का टाइम लिया, 5 तारीख का लग। 5 तारीख को मालूम पड़ा कि अरुण भाग गया, तो उसके बाद में हम लोग पुलिस कंप्लेंट किए, तो पुलिस से भी कुछ ऐसा समझ में नहीं आया हम लोग को क्या करने का आगे का। आपके बाजू में एक और एक महिला है, बताइए आपका कितना पैसा आपने अरुण सर को दिए थे? मैंने अरुण रशीद से तो मैंने 4 लाख रुपया डाली हूँ, मेरे बच्ची का था, वो मेरी बच्ची बीमार है इस वजह से मैंने वो पैसा डाली थी ताकि मेरे बच्ची का ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए। और उन्होंने मुझे बोला था कि मैं ये पैसा डबल करके दे दूंगा क्योंकि उनको पता था कि मेरे बच्ची बीमार है, मेरे बच्ची का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उन्होंने मुझे एक बार भी पैसा ये सब मिला नहीं है। और मैंने जिस स्कीम में पैसा डाली थी उसके बाद उन्होंने 3 महीना पैसा हम लोग को एक भी नहीं दिया। मैं 2 से 3 बार आके चले गई, बच्ची को बताई, मैंने बच्ची की ट्रीटमेंट भी की नहीं हूँ, दवाखाना भी लेके नहीं गई मैं, तो उनको आके मैंने बोली तो उन्होंने फिर भी मुझे दिया नहीं। अभी तक आपका पैसा आपको मिला नहीं? नहीं, मुझे एक भी पैसा। आपने कितना पैसा डाला है? मैं 1 लाख डाली हूँ, लड़की के शादी के लिए डाली थी पैसा, 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के डाली थी। ये साले के कुत्ते पड़ेंगे, कीड़े के कुत्ते के ना कीड़े पड़ेंगे, उसको दुआ कर कीड़े पड़े उसको। आपने कितना पैसा डाला? इसको अरुण सर को, क्या अरुण चोर को? पहले आप बताओ, अरुण चोर है वो? अरुण सर नहीं है वो, अरुण चोर है। मैंने अपना घर बेचकर उस पे पैसा डाला और आज भाड़े पे रह रहा हूँ, भाड़ा भरने के भी वांदे हो गए ले मेरे। देखिए हमारा ये एक्चुअली अरुण सर बोलने के पीछे कारण क्या है ना? हाँ, कि हम चोरों को भी सर इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि उसको चोर बोलने का अधिकार कोर्ट का होता है। ओके, मीडिया वाले चोर नहीं बोल पाएंगे ना, हम लोग सब बोलते हैं, बोलो अरुण चोर, अरुण चोर। आपका पैसा है? मैं अपना पैसा नहीं। आपका है पैसा? और किसी का है क्या पैसा? आप हमारी मीडिया से क्या हेल्प चाहते हैं? मैं ये हेल्प चाहती हूँ कि मेरी बच्ची की ट्रीटमेंट हो जाए, मेरे पैसे वहाँ से मुझे मिले। आप क्या चाहते हैं? मैं भी वही चाहती हूँ, मेरे पैसे मेरे को मिल जाए। आप क्या चाहते हैं? हमारा भी वही है कि आपका कितना पैसा एक्चुअली? हमारा 6 लाख है। बताइए मलिक जी, आप भी एक सोशल मूवमेंट से जुड़े हैं ऐसा मेरे मीडिया को पता चला है। आपने अपनी तरफ से बहुत से लोगों को दिलासा भी दिया कि आपका पैसा मिल जाएगा और आप फाइट भी कर रहे हैं, तो आप पूरे ग्रुप को इकट्ठा करके इनका एक लिस्ट कीजिए। ये हमारी मीडिया की तरफ से आपको सलाह दी जा रही है। ये बताइए मलिक भाई कि आप क्या चाहते हैं इस केस में? मैं यही चाहता हूं कि जितने लोगों का पब्लिक का पैसा फंसा है उनका सबका पैसा मिल जावे, भले मुद्दली सही। हम कोर्ट से भी आश्वासन कर रहे हैं, सबसे मीडिया से भी हम यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि जितने भी फंसे इस मामले में उनको सबको पैसा मिलना चाहिए। मेरा खुद का 6.5 लाख रुपए है, जिसमें कि एक कैंसर पेशेंट है, उसे 90,000 डाला था, 10 महीने के बाद उसको 10 महीने के बाद उसको 2,40,000 मिलने वाला था उसका कैंसर का ऑपरेशन के लिए। लेकिन 30 अरुण ने टाइम दिया कि दूंगा करके 30 अगस्त का लास्ट डेट था उसका ऑपरेशन का, लेकिन डॉक्टर ने उसे अभी जवाब दे दिया है कि उनका ऑपरेशन होगा नहीं। इसका जिम्मेदार अरुण के सिवा और कोई नहीं है, सिर्फ अरुण जिम्मेदार है इसका जवाब। तो देखा जनता आपने किस तरह ये गरीब जनता ने अपने सपनों को लेकर अरुण शेख दे से फाइनेंसर के पास अपने पैसे को डबल के चक्कर में आज
इन्हीं महिलाओं के घर में एक एक पैसे के लिए, एक एक पैसे के लिए आज मोहताज है। हमारी मीडिया भी इनसे ये दावा करती है कि हम जल्द से जल्द जो हमारी तरफ से जो लीगल तरीका का मदद होगा, हम इन सारे महिला को और इन सारी जनता को भी हम मदद करेंगे। मैं कैमरामैन के साथ वी आर चवन, मुंबई क्राइम पेज।